हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है रेनॉल्ड्स डिजीज़। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर रेनॉल्ड्स डिजीज़ क्या होता है? तो ये कंडीशन है जिसमें हाथ और पैर नंब हो जाते हैं, कोल्ड फील होने लग जाता है, और ये कंडीशन ज़्यादातर तभी होता है जब आपको स्ट्रेस हो या फिर आप कोई कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हो। रेनॉल्ड्स डिजीज़ में ऐसा देखा जाता है कि हाथ और पैरों की जो आर्टरीज़ होती है, जो स्मॉल आर्टरीज़ होती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होने लग जाता है, जिसके वजह से हाथ और पैरों में नमनेस या फिर कोल्ड फील होने लग जाता है, और कई सीवियर केसेस में हाथों में अल्सर भी फॉर्म हो सकते हैं। रेनॉल्ड्स डिजीज़ किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये कंडीशन उन लोगों को ज़्यादा होती है जो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो ठंडे इलाके या फिर पहाड़ों में रहते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को रेनॉल्ड्स डिजीज़ हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन के फिंगर और टो में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील होने लग जाता है। इसके अलावा जो स्किन का एरिया है वो वाइट कलर का हो सकता है और फिर वो कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा पर्सन को हाथ में नमनेस, बर्निंग सेंसेशन, प्रिकिंग टाइप का सेंसेशन फील हो सकता है। उन्हें ऐसा फील हो सकता है कि उनके हाथ में कोई पिन या फिर निडल चुभा रहा है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को रेनॉल्ड्स डिजीज़ होने का। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ये है कि ठंडे मौसम में या फिर कोल्ड एनवायरनमेंट में, कोल्ड वेदर में ये कंडीशन बढ़ने लग जाती है, या फिर अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। कोल्ड एनवायरनमेंट में या फिर सर्दी के मौसम में ऐसा देखा जाता है कि हाथों की जो आर्टरीज़ है उसमें वैसोस पाजम होने लग जाता है। सर्दियों के मौसम में ऐसा देखा जाता है कि हाथ और पैरों की जो आर्टरीज़ है वो नैरो होने लग जाती है, और नैरो होने की वजह से वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो कम होने लग जाता है, और पर्सन को ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन ठंडे पानी में अपना हाथ रखता है या फिर कोई कोल्ड एयर में जिसका एक्सपोजर है, ऐसे पर्सन को भी सिम्टम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो ऐसे पर्सन को भी ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं जिन्हें रेनॉल्ड्स डिजीज़ हो सकता है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर यही है कि फीमेल्स को ये कंडीशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। इसके अलावा एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ये कंडीशन ज़्यादातर 15 से लेकर 30 ईयर के लोगों में देखी जाती है। इसके अलावा क्लाइमेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ठंडे मौसम में ये कंडीशन बढ़ने लग जाती है, और जो लोग वार्म एनवायरनमेंट में रहते हैं उन्हें ये कंडीशन कम होती है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी फैमिली में किसी को रेनॉल्ड्स डिजीज़ है तो आपको भी ये अटैक आ सकते हैं। इसके अलावा कई सारी डिजीज़ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको ऑलरेडी कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे कि अगर आपको ल्यूपस है या फिर आपको स्क्लेरोडर्मा है, तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप CPR-30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप रश्टॉक्स-30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एगरिकस-मस-30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन रेनॉल्ड्स डिजीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था रेनॉल्ड्स डिजीज़। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।